महागणेशाय नमः। ओम गंग गणपतये नमः। गणपति उवाच। एस्ट्रोलॉजी से मैं एस्ट्रोलॉजर प्रोफेसर डॉक्टर AK चौबे आप सभी मित्रों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं हाजिर हूँ आप सबसे, देखिए अपनी चर्चा आगे बढ़ाने के लिए। मेरी चर्चा का विषय क्या है, उस चर्चा के विषय की मैं आपको बताऊं, उससे पहले निवेदन करूं कि मेरे चैनल को पहली बार जो आए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जाते जाते कमेंट में जो चाहे वो लिखें, कुछ पूछना है पूछें, और नहीं कुछ लिखना है तो महागणेशाय नमः लिखेंगे तो भगवान गणेश आप पर अवश्य ही आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तो मित्रों मैं चर्चा के विषय क्या है, मैं अपनी चर्चा के अंतर्गत इस सप्ताह 16 जनवरी से 22 जनवरी के सप्ताह ये भविष्यफल बता रहा था, तो भविष्यफल की चर्चा करते करते अब मैं वृषभ राशि पे आया। तो वृषभ राशि के लिए ग्रह गोचर बताऊंगा, उसके बाद फिर भविष्यफल बताऊंगा। तो देखिए मंगल वृषभ राशि में लग्न में बैठे हुए हैं पहले भाव में, और छठे भाव में केतु तुला राशि में बैठे हुए हैं, अष्टम भाव में बुध बैठे हुए हैं धनु राशि में, और देखिए मकर राशि में अभी सूर्य आज ही 14 तारीख की शाम को जाएंगे और 15 तारीख की सुबह जो सूर्य उदय होगा वो मकर राशि में होगा। आज शाम को 8:15 बजे यानी सूर्य चले जाएंगे। तो वैसे 14 तारीख को मकर संक्रांति होती थी, लेकिन चूंकि सूर्य उदय कल होगा मकर संक्रांति में, तो 15 तारीख को ही मकर संक्रांति है। तो मकर में सूर्य पहुंच जाएंगे। देखिए जहाँ पर शनि भी हैं और शुक्र भी हैं, शनि 17 तारीख को यानी 2 दिन बाद ही कुंभ राशि में चले जाएंगे दशम भाव में। वृषभ राशि के लिए दशम भाव में कुंभ राशि है, तो शनि 17 तारीख को कुंभ राशि में आ गए, और 22 जनवरी को यानी सप्ताह का अंत होगा जब रविवार को शुक्र भी चले जाएंगे शनि के पास कुंभ राशि में, तो खाली सूर्य रह जाएंगे फिर मकर राशि में। और देखिए ज्ञान में जैसे बताया मकर राशि कुंभ राशि में शनि है, शनि पहुंच जाएंगे 17 तारीख को और 22 तारीख को शुक्र भी आ जाएंगे। और देखिए ज्ञान में भाव में जो है बृहस्पति है मीन राशि में, और 12वें भाव में राहु है एरीज यानी मेष राशि में। तो ये तो रहा ग्रह गोचर। और देखिए चंद्रमा की स्थिति बता दूं मैं, चंद्रमा 16 तारीख को तुला राशि में केतु के साथ होंगे छठे भाव में, 17-18 को सप्तम भाव में आ जाएंगे स्कॉर्पियो में, जहाँ चंद्रमा का नीच भंग होगा मंगल के द्वारा, क्यों मंगल केंद्र में बैठे हुए हैं और केंद्र से दृष्टि आ रही है अपनी राशि को। तो 19-20 को चंद्रमा जो है अष्टम भाव में बुध के पास आ जाएंगे, और 21-22 को चंद्रमा मकर राशि में नवम भाव में भाग्य भाव में आएंगे, जहाँ पर मकर राशि में सूर्य होंगे चंद्रमा आ जाएंगे शनि भी होंगे एक दिन के लिए, और उसके बाद शुक्र भी होंगे 22 तारीख तक। तो भाग्य भाव बहुत ज़बरदस्त है वृषभ राशि के लिए, क्योंकि कई ग्रह हैं और चंद्रमा भी है वहाँ पर। तो ये तो रहा भाई ग्रह गोचर। अब मकर अब देखिए वृषभ राशि का मैं बताऊँ भविष्यफल। तो मंगल जो है वृषभ राशि के लग्न में बैठे हुए हैं और सप्तम पर दृष्टि पड़ रही है, तो सेहत का ध्यान रखें भाई थोड़ा सा। और देखिए अपने पारिवारिक संबंधों में भी जरा तनाव ना आने दें, नज़र रखें उसके ऊपर तनाव ना आए। मंगल मांगलिक मंगल जो है मंगली बनाते हैं, मंगल जब लग्न में होते हैं, और मंगल की राशि भी जो है सप्तम भाव में है, मंगल बैठे हुए हैं लग्न में और स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि सप्तम भाव में है, तो थोड़ा सा परिवार में पति पत्नी के बीच में जरा नज़र रखेंगे, थोड़ी भाषा पर ध्यान रखेंगे, थोड़ा क्रोध कम करेंगे तो अच्छा वातावरण रहेगा, अन्यथा थोड़ा सा तो बिगड़ सकता है मामला, तो इसका ख्याल रखिए, क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। सप्ताह के प्रारंभ में चंद्रमा की देखिए युति केतु के साथ बन रही है छठे भाव में, तो छठे भाव में केतु के साथ चंद्रमा जब आएंगे तो कुछ मानसिक थकान महसूस होगी, सर दर्द हो सकता है और मानसिक समस्या आ सकती है, परेशानी आ सकती है, कोई पुराना रोग भी तंग कर सकता है वृषभ राशि वालों को, तो भाई सेहत के प्रति सतर्क रहिएगा, समय पर दवा खाइएगा,
वरना नुकसान हो सकता है, ध्यान रखिएगा। देखिए अस्पताल भी जाना पड़ सकता है अगर दवाई समय पर नहीं खाएंगे तो। चंद्रमा केतु के साथ थोड़ा सा छठे भाव में है, रोग तो आ सकता है, इसलिए कोशिश करिए कि दवाई टाइम पे खा लें तो आपको अस्पताल न जाना पड़े। देखिए 17-18 को चंद्रमा जो है आ जाएंगे सेवेंथ भाव में। सेवेंथ भाव में चंद्रमा जब आ गए तो 17-18 को तो पति पत्नी का अच्छा वातावरण बढ़िया रहेगा, चंद्र का नीच भंग हो रहा है तो फिर मानसिक शांति मिलेगी, पति पत्नी के बीच में अच्छे संबंध स्थापित हो सकते हैं। 19-20 को चंद्रमा बुध के साथ धन भाव में पहुंच जाएंगे, और 19 धनु राशि में 19-20 को चंद्रमा जो है भाग्य भाव में पहुंचेंगे, नहीं 19-20 को तो बुध के पास पहुंचेंगे अष्टम भाव में, और वहां से दृष्टि जो है पड़ेगी बुध की मिथुन राशि पर। बुध है यहाँ पर धनु राशि में और बुध की दृष्टि पड़ रही है धन भाव पर जहाँ मिथुन राशि है, तो चंद्रमा 19-20 को वहाँ रहेंगे तो अचानक धन की प्राप्ति, शॉर्ट टर्म गेन, शेयर सट्टा मार्केट से गेन, और बुध की राशि है वहाँ पर, बुध की दृष्टि पड़ रही है चंद्रमा के साथ धन भाव पर मिथुन राशि है तो धन का आगमन तो सत्या होगा। वृषभ राशि वालों 19-20 को अचानक से धन की प्राप्ति होगी, निश्चित रहिएगा। तो देखिए भाग्यवर्धन होगा, फिर बाद में जब चंद्रमा 21-22 को पहुंच जाएंगे भाग्य भाव में, नवम भाव में, जहाँ कई तीन तीन ग्रह बैठे हुए हैं तो भाग्यवर्धन तो होगा ही होगा, भाग्यवर्धन होगा। कार्य स्थान पर देखिए 10th हाउस में शनि और 22 तारीख को शुक्र भी पहुंच जाएंगे तो कार्य स्थान पर तरक्की, कार्य में प्रमोशन, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, वेतन वृद्धि, व्यापार में तरक्की, नया निवेश करेंगे तो लाभ, और देखिए और सुख साधनों की वृद्धि हो रही है, क्योंकि वहाँ से शनि की और शुक्र की दृष्टि पड़ेगी कहाँ, चौथे भाव में, तो चौथे भाव से माता का स्वास्थ्य अच्छा होगा, सुख साधनों की वृद्धि होगी, सारे सुख साधन जो हैं नहीं है वो भी और आ जाएंगे, जो आप खरीदना चाह रहे हैं खरीद लेंगे। देखिए लाभ भाव में बृहस्पति बैठे हैं, पूरे सप्ताह वहीं रहेंगे लाभ भाव में, और लाभ भाव से दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर भी, तो लाभ भाव से धन की प्राप्ति तो कराएंगे, विभिन्न स्रोतों से बृहस्पति धन की प्राप्ति कराएंगे। पुत्र संतान की प्राप्ति हो सकती है, संतान भाव में दृष्टि जा रही है, संतान को लाभ हो सकता है, संतान के द्वारा लाभ हो सकता है, संतान प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर सकती है, बृहस्पति की दृष्टि से प्रेम प्रसंगों में सफलता हो सकती है, प्रेमी आपका जो चला गया तो लौट के आएगा, प्रेम संबंध में आपकी प्रगाढ़ता आ सकती है, प्रेम विवाह तक की नौबत आ सकती है। देखिए बहुत ही वैवाहिक जीवन बड़ा अच्छा बीतेगा, व्यापार में सफलता मिल रही है, कठिन समय में जीवन साथी का सहयोग मिलेगा तो जीवन साथी आपकी मदद करेंगे। देखिए और अगर आप चाहते हैं कि वृषभ राशि वालों आपकी राशि शुक्र की राशि है तो शुक्र की राशि है, मंगल लग्न में बैठे हुए हैं जो कि अष्टम भाव को, नहीं अष्टम राशि को सप्तम भाव को देख रहे हैं तो व्यापार में तो लाभ दे रहे हैं, व्यापार में जो आपके सहयोगी हैं उन सबका अच्छा सहयोग मिल रहा है, लेकिन फिर भी और भी अच्छा चाहते हैं आप सहयोग पाना तो देखिए शुक्र के उपाय कीजिए। शुक्र के उपाय क्या है, देवी माता दुर्गा का पाठ कीजिए, माता लक्ष्मी की पूजा कीजिए शुक्रवार को, शुक्रवार को माता लक्ष्मी की स्तुति, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, या देवी सर्वतेषु महालक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। तो माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे शुक्रवार को तो वृषभ राशि वालों आपको शुक्र की भी कृपा मिलेगी, वीनस की कृपा मिलेगी, व्यापार में लाभ होगा और घर परिवार में भी सुख शांति मिलेगी। तो मित्रों मैं यहाँ अभी विराम ले रहा हूँ, फिर आऊँगा आगे तो और चर्चा करूँगा, लेकिन आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में महागणेश आय नमः लिखें और भगवान गणेश की कृपा पाएं। नमस्कार।